नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। बुलंदशहर पॉस्को कोर्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में सजा को लेकर बनाई एक नई मिसाल। छेड़छाड़ के आरोपियों की भी नहीं है खैर। बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते FIR दर्ज होने के मात्र 77 दिन के बाद ही 10 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना के आरोपी संजय को बुलंदशहर न्यायालय स्पेशल पॉस्को ने दी 5 साल 6 महीने का कारावास व 15,000 रुपए अर्थदंड की सजा देकर बनाई गई नई मिसाल। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर में 14 अगस्त 2022 को हुआ था आरोपी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिनांक 14 8 2022 को एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिस संबंध में थाना बीबी नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 169/22 अंडर सेक्शन 354(9)(10) पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया था। जनपद स्तर पर इस मुकदमे को प्रभावी पैरवी हेतु चिन्हित किया गया था, जिसमें मात्र 7 दिवस में आरोप पत्र मान्य न्यायालय में प्रेषित कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था। मान्य न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर मात्र 66 दिन में आरोपी को सजा में दोषी सिद्ध कराया गया एवं आज मान्य न्यायालय द्वारा इसमें सजा सुनाई गई है। महिला एवं बच्चों संबंधी छोटी से छोटी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई कर एवं पैरवी कर सजा दिलाने में समाज में डिटरेंस क्रिएट होता है, जिसमें बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत हमने वादी एवं सभी विटनेसेस को मान्य न्यायालय में सुरक्षित पेश कर अभियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित कराई थी। भविष्य में भी बुलंदशहर पुलिस इसी तरीके से त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाने में तत्परता से कार्य करती रहेगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।